भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर CRPF पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थे और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा, उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हमेशा सत्य में विजय होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे, निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। आप देखिए सदन के अंदर पैरामिलिट्री आ रही है, CRPF आ रही है, किस प्रकार का लोकतंत्र है कि हमारी सदन है, हमारा सभागार है, और इस प्रकार की ये प्रक्रिया अपनाकर किस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। खरीदने की कोशिश हो रही थी रातों रात, कितने करोड़ रुपए की प्रलोभन दी गई। मैं उन्हीं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो इन जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऑब्जर्वर जो आए थे वो हमारे, जो ये प्रकार की गुंडागर्दी तो नहीं होनी चाहिए ना सदन में, तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए आप ये कहना कि विक्रमादित्य जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका स्पीकर कोई औचित्य नहीं। उनसे जो बात मेरी अभी थोड़ी देर हुई थी जब हमारा बजट का वो चल रहा था।